हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार पुलिस यानी सिपाही बहाली से संबंधित। बिहार में पुलिस बहाली के लिए जो वैकेंसी निकली थी 21,391, पेपर लीक के कारण उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस बहाली का क्लियर नहीं हो पाया है कि पेपर लीक कहाँ से हुआ और किसने किया। जो आज बहुत ही प्रमुखता से पटना संस्करण में छापा गया, आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि यूपी में 16 फरवरी को सिपाही बहाली का पेपर लीक हुआ और 15 मार्च को खुलासा हो गया, लेकिन बिहार में 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली का पेपर लीक 6 महीने बाद भी रहस्य बरकरार। उत्तर प्रदेश में सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को थी। परीक्षा में पहले यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम ने राज्य के कई शहरों में छापेमारी कर परीक्षा माफियाओं के गिरोह के कई छात्रों को प्रश्न पत्र के साथ गिरफ्तार किया। जांच हुई और 24 फरवरी को यूपी सिपाही बहाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब तक इस मामले में सरगना और साजिशकर्ता समेत 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 महीने बाद ही यानी 15 मार्च 2024 को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सिपाही बहाली पेपर लीक का खुलासा कर दिया। इधर बिहार में 6 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार पुलिस सिपाही बहाली पेपर लीक के रहस्य से पर्दा नहीं उठा। 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा के पहले पेपर वायरल हुआ, दर्जनों गिरफ्तारी के साथ अलग अलग जिला में केस दर्ज हुआ। 3 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई और जाँच यूओयू को सौंप दी। 31 अक्टूबर को यू थाने में अलग से 1 FIR हुई। अब 150 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी SIT यह बताने की स्थिति में नहीं है कि सिपाही बहाली पेपर लीक का साजिशकर्ता कौन है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रिंटिंग प्रेस पर लीक का आरोप है उसी ने कैसे छापा सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। 21,391 पदों पर सिपाही बहाली की परीक्षा होनी थी। जाँच में यह सामने आया कि कोलकाता में कौशिक कर की प्रिंटिंग प्रेस ब्लेसिंग सिक्योर में परीक्षा का प्रश्न पत्र छापा। हालांकि चयन पर्षद का छपाई का करार तनवीस धर की कंपनी कालटेक्स मल्टी वेंचर से था। बाद में तनवीस धर ने कौशिक की कंपनी से छपाई का करार किया। कौशिक को तनवीस पति पत्नी है। कौशिक कर की कंपनी यूपी में हुई एक परीक्षा पेपर लीक करने के आरोपी रही है। तनवीस की कंपनी से करार करने केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष SK सिंगल कोलकाता गए थे। अब तक यह जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर तनवीस धर की कंपनी के साथ करार क्यों हुआ और कौशिक कर की कंपनी में प्रश्न पत्र क्यों छपा। बालासोर जेल में रहते हुए माफियाओं ने रची थी साजिश। 15 मार्च को बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षा थी, इसका प्रश्न पत्र भी माफियाओं ने उड़ा लिया, परीक्षा रद्द कर दी गई। यू जांच कर रही है। सरगना ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित अकाउंटेंट विशाल चौरसिया है। पूछताछ में बताया कि बालासोर जेल में रहते हुए उसने सहयोगी सुचेंद्र पासवान, उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी अजीत चौहान, प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वीरेंद्र सिंह की मदद से बिहार पुलिस की सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया था। मामले में कौशिक कर और विजेंद्र गुप्ता का भी नाम उसने लिया है। विजेंद्र गुप्ता गिरफ्त से बाहर है। केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व DGP से हुई पूछताछ। 9 अप्रैल को SIT ने केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व DGP SK सिंगल से पूछताछ की है। उनसे परीक्षा लेने के तरीके, नियम कानून आदि के बारे में पूछा गया। 2 घंटे तक SIT ने उनसे पूछताछ के सूत्रों के माने तो तत्कालीन अध्यक्ष MOU साइन करने कोलकाता गए थे। सीधी बात, मानवजीत सिंह दिल्ली UOU, ढिल्लो UOU के DIG और SIT चीफ। सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ, प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ यह अभी चिन्हित नहीं किया गया। गिरोह का सरगना कौन, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, इसमें कई गैंग्स मिले हुए हैं। गैंग के साथियों के एक दूसरे से मिलकर यह काम किया चिन्हित किया जा रहा है।
क्या सरगना के तार केंद्रीय चयन पर्षद से जुड़े हैं? ऐसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला, जांच की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार सिपाही बहाली से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। और इसमें बीपीएससी टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ था 15 मार्च की परीक्षा, उसका भी जिक्र किया गया है। पेपर लीक के अभियुक्तों से यूयू ने की पूछताछ। शिव कुमार जो इसमें पेपर लीक कांड में है वह 2017 में आरोपित रह चुका है और सिपाही भर्ती में भी सॉल्वर गैंग ने बहुत बड़ी मोटी रकम लेकर के इस तरह के परीक्षाओं में पेपर लीक को अंजाम देते हैं। आज की बड़ी खबर में ये भी है कि अब छोटे बच्चों को भी पैन नंबर और आधार नंबर अनिवार्य होगा फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए, ये प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जाएगी। दोस्तों पर्पल की अपडेट के लिए वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स दोस्तों।